आज याकूबपुरा बड़ा बाजार पे एक जलसे के जलसे मिली बेदारी का प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई किए थे पब्लिक मीटिंग के लिए। जब हम अप्लाई करे पिछले 10 दिन बैक तो रैन बाजार इंस्पेक्टर को और एसीपी को हम इतला करे, लेकिन हमारे को कुछ नहीं बोले लोग। कल शाम तक भी हमारे को ये नहीं बोल रही कि आपको परमिशन दे रही या नहीं दे रही। आज जब हमारे लोग वहां पर सामान डालने गए तो अचानक रैन बाजार पुलिस आके रुका दी, परमिशन नहीं दी। और हमारे जो रिजेक्शन की नोटिस दे रहे हैं उसमें यह बोल रही कि आप जलसा करें तो ट्रैफिक कंजेशन होता है। अब आप बताओ भाई, पुराने शहर में कहां ट्रैफिक कंजेशन नहीं हो रहा? आप शाम के टाइम पे फलकनुमा से चंद्रनगुट्टा जाओ, आप रोज 2 घंटे वहां ट्रैफिक जाम हो रही। आप चंद्रनगुट्टा ब्रिज से बल्लागुड़ा जाओ, आप रोज 2 घंटे वहां ट्रैफिक जाम। बाबा नगर की रोड पे ट्रैफिक जाम, हर जगह ट्रैफिक जाम हो रही। अच्छा, कोई अपना जलसा करके अपने वोटरों को ट्रैफिक जाम करता बताओ आप? तो बहरहाल कहीं ना कहीं बाद में हम ये समझे कि कुछ दिन से ये जो इंडिया अलायंस में एमबीटी को लेंगे, अमजदुल्ला खान को लोकसभा कैंडिडेट बनाएंगे, कहीं ना कहीं लार्जर कॉन्स्पिरेंसी हुई है। ये लार्जर कॉन्स्पिरेंसी हुई एमआईएम की तरफ से और उसको इंप्लीमेंट कर रही साई चैतन्या डीसीपी साउथ जोन। ये कैसा इंप्लीमेंट कर रही उनको मालूम। अब ये अमजदुल्ला खान मजीदुल्ला खान बोले पठान बच्चे है, अपन इनको सताएंगे। ये लोग क्या करते, बस्ट होके कांग्रेस के खिलाफ में, हुकूमत के खिलाफ में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये साजिश करके ये आज हमारे परमिशन को डिनाई कर रहे हैं लोग, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये जो अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आप देखिए पिछले 9 साल में ऐसी चलते रहा। हम कोई जलसा नहीं कर सकते, हम नहीं, कोई तंजीम जलसा नहीं करना, कोई तंजीम नहीं करना। उसका नतीजा क्या हुआ? अवाम का गुस्सा निकला। आज जो है बीआरएस पार्टी हाथ धोती सरकार से। अब अगर पुलिस वाले ये गेम खेलेंगे, अवाम को कांग्रेस को लड़ा रहे, मुसलमानों को कांग्रेस को लड़ाने की कोशिश कर रहे हूं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। मैं जो है आज सीएम रेवंत रेड्डी साहब से बात करने की कोशिश किया, वो कहीं बाहर है, नहीं बातचीत हो सकी। उनके पीए से बात की, हम पूरा उनको अपडेट किए। फिर यहाँ की जो तेलंगाना सरकार की इंचार्ज है, हम उनको अपडेट किए, मैडम को। हम पुनारा लक्ष्मण जो सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है उनको अपडेट किए। ये तमाम का बोलना यह है कि आज आप एक दिन खामोश बैठ जाइए, 24th के दिन सीएम साहब आ रही, सीएम साहब के साथ आपकी मीटिंग होंगी, पुलिस कमिश्नर को हम बुलाएंगे, आपको हम उसी मुकाम पर दोबारा परमिशन बराबर दिलाएंगे हम आपको। ये कांग्रेस वालों का बोलना है। और ये जो लार्जर ट्रांसपेरेंसी हो रही, आप देखिए मेरे को जब मेरा क्या खुशूर था बताइए। पोलिंग के दिन ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई लड़ाई हुई। मैं जिस वक्त नौनिहाल पोलिंग बूथ पे गया वहां पर डबीरपुरा, तो वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट ठहरा हुआ था ऑलरेडी। मैं उसको देख के गाड़ी में से नहीं उतरा। मैं बोला मैं जाऊंगा, कुछ होगा झगड़ा, पोलिंग खराब होंगी। मैं वहां पर बोकसिंग हो रही, रैन बाजार इंस्पेक्टर को फोन किया, 10 मिनट तक नहीं आया। मैं 6 ऑटो लेडीज के पकड़ के दिया, तो डीसीपी चैतन्या मेरे को ये बोल रही कि मेरे पास लेडीज फोर्स नहीं है, मैं कैसा वो पकड़ू? अब आज कहां से आ गई तो लेडीज फोर्स बताओ आप, यहाँ पर लाके लेडीज पुलिस को डाल दे रहे यहाँ पर। तो बहरहाल कहीं ना कहीं एक बड़ा लार्जर कॉन्फ्रेंसी पोलिंग के दिन हुई, जिसमें डीसीपी चैतन्या, एसीपी मीर चौक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाजार, ये तीनों मुलाविस है उसमें। ये लोग कितने पैसे लिए, कहां पर लिए, क्या लिए, ये पूरी इसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा। और हमारी मजलिस बचाओ तहरीक का कैंडिडेट याकूबपुरे से हारने की मेन वजह है डीसीपी चैतन्या, डीसीपी चैतन्या, डीसीपी चैतन्या, मेन वजह है। उन्हें को होना बोल के अरेस्ट कराए और उस वक्त के कमिश्नर को मिसगाइड किए कि अमजदुल्ला खान ईवीएम मशीन तोड़ दिया बोल रहे हैं। मैं कहां से ईवीएम मशीन तोड़ा? मैं गाड़ी में से नहीं उतरा भाई। अच्छा, मेरे खिलाफ में उस दिन जो केस बुक करे, वो केस जो बुक करे उन्हें खुद चार मीनार का रहने वाला, उन्हें कहा कि चार मीनार असेंबली कांस्टेंसी वाला याकूबपुरे में क्या कर रहा था बोलकर नहीं पूछा उसको। रैन बाजार इंस्पेक्टर मेरे को अरेस्ट करे, 4 घंटे लेके जाके डीसीपी ऑफिस में रखे, मेरे फोन आ कीजिए। अरे उस वक्त के कमिश्नर को मैं फोन मिला के पूछ रहा हूँ, साहब मेरे को अरेस्ट कर रही। इंस्पेक्टर को जो बोलते रैन बाजार इंस्पेक्टर, फोन लेके फेंक दिया। आप बताओ ऐसे बदतमीज ऑफिसर है यहाँ पर। तो खैर बहरहाल आज का जो परमिशन कैंसिल करे, एक बड़ी साजिश है पुलिस वालों की, ये एमआईएम की साजिश है, एमआईएम के एजेंट है ये लोग पुलिस वाले, कि हम जाके कांग्रेस पार्टी से भिड़ जाना, हम जाके गवर्नमेंट से भिड़ जाना।